कहानी तब की जब घर पर भिक्षा मांगने पहुँचे थे योगी, जिसने भी देखा पहचानने के लिए आंखें मलने लगा। आज से 29 साल पहले भी वह एक बार घर गए थे, किसी से मिलने नहीं बल्कि पूरी तरह से घर छोड़ने का एक विधान पूरा करने। उस वक्त माँ रो पड़ी थी, योगी भी रो पड़े थे, लेकिन कदम घर के अंदर नहीं रखा, लौट गए। आदित्यनाथ घर से निकले तो 6 महीने तक पता ही नहीं चला कि कहाँ हैं। योगी आदित्यनाथ के बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। अजय ने 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी की। इसी साल पौड़ी के कोटद्वार के डॉक्टर पीताम्बर दयाल बर्थ्याल हिमालयन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीएससी में एडमिशन ले लिया। 1992 में यहाँ से भी पास हो गए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स से एमएससी में एडमिशन लिया पर पूरा नहीं किया और घर से चले गए। 6 महीने तक घर वालों को पता ही नहीं चला अजय कहाँ है। पिता आनंद सिंह हर उस जगह खोजने गए जहाँ अजय के होने की संभावना थी, लेकिन अजय नहीं मिले। फिर किसी ने बताया उनका बेटा गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ में है, अब वह सन्यासी बन चुका है। आनंद सिंह को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सके। सन्यासी बनने के बाद अजय अब योगी आदित्यनाथ बन गए थे 1993 में। अपने गांव पंचूर आए, पहले की तरह जीन्स पैंट में नहीं बल्कि गेरुआ पहनकर, सिर मुंडा कर, दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथ में खप्पर लेकर। जिसने भी देखा उसने योगी को पहचानने के लिए अपनी आंखें मली, इसलिए कि एक बार में वह पहचान ही नहीं पाया कि यह अजय सिंह बिष्ट हैं। पत्रकार विजय त्रिवेदी अपनी किताब यदा यदा ही योगी में लिखते हैं, अजय घर के बाहर पहुंचे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। घर की मालकिन आवाज सुनकर दरवाजे पर आई तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, जहां थी वहीं मौन स्थिर हो गई। मुंह खुला तो लेकिन शब्द नहीं फूटे, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगा। जो सत्य साक्षात सामने खड़ा था उसे देखते हुए भी यकीन नहीं हो पा रहा था। माँ के सामने उनका बेटा युवा सन्यासी के भेष में खड़ा था। माँ चुप थी, तभी आदित्यनाथ ने कहा, माँ भिक्षा दीजिए। माँ ने खुद को संभाला और कहा, बेटा यह क्या हाल बना रखा है, घर में क्या कमी थी जो भीख मांग रहे हो। योगी ने कहा, माँ सन्यास मेरा धर्म है, एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी, आप भिक्षा में जो कुछ देंगी वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। माँ को बेटे के इस रूप पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, बेटा तुम पहले घर के अंदर आओ। आदित्यनाथ ने मना कर दिया और कहा, नहीं माँ, मैं बिना भिक्षा लिए न तो घर के अंदर आ सकता हूँ और न ही यहाँ से जा सकता हूँ, जो कुछ भी हो वह मुझे दीजिए, इसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। माँ बेटे की जिद के आगे हार गई, घर के अंदर गई और थोड़े चावल और पैसे लाकर आदित्यनाथ के पात्र में डाल दिए। भिक्षा पाने के बाद आदित्यनाथ पीछे मुड़े और वापस चल दिए। आंखों में आंसू लिए माँ घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपने बेटे को जाते हुए देखती रही। विजय त्रिवेदी ने इस घटना का जिक्र करते हुए किताब में लिखा, भिक्षा लेते ही योगी आगे चल दिए। आवाज अब भी गूंज रही थी, पहाड़ों के करीब पहुंचते बादलों तक अलख निरंजन। सूरज बादलों में छिपने
पहाड़ के पीछे जाने की कोशिश करता दिखा। वैसे भी उसका उजाला माँ के लिए बेमायने हो गया था। नवंबर 1993 से 14 फरवरी 1994 तक अजय सिंह बिष्ट को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। वे पीछे नहीं हटे, डटे रहे। 15 फरवरी 1994 को गोरक्षापीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ महाराज ने पूरे विधि विधान से उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के जीवन का उद्देश्य बदल गया। उन्होंने कहा, न त्वं कामे राज्य, न स्वर्ग, न पुनर्भवम्, कामे दुहक तप्ताना प्राणिना मर्तिनाशन। इसका हिंदी अर्थ होगा, हे प्रभु, मैं इस जीवन में राजपाट पाने की कामना नहीं करता। मैं इस जीवन के बाद स्वर्ग और मोक्ष पाने की कामना भी नहीं करता। योगी आदित्यनाथ सन्यासी बन गए। पिता आनंद सिंह आए, अपने बेटे को इस रूप में देखकर रो पड़े। कहने लगे, बेटा लौट चलो हमारे साथ। लेकिन योगी नहीं गए। पिता निराश होकर लौट गए। उन्हें शायद उम्मीद थी कि वह बेटे को अपने घर वापस ले आएंगे, इसलिए वह अब की बार अपनी पत्नी सावित्री के साथ गोरखपुर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ को देखते ही मारो पड़ी। उस वक्त महाराज अवैद्यनाथ मंदिर में ही थे। सावित्री ने कहा, महंत जी, मेरे बेटे को लौटा दीजिए। महाराज ने कहा, चार बेटे हैं तुम्हारे, एक बेटा हमें दे दो। सावित्री देवी को इसके बाद कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कभी महाराज को देखती, कभी अपने बेटे को, तो कभी छत की तरफ। आंखों के आंसू सूख गए थे। फिर वह कुछ नहीं बोली, अपने पति की तरफ देखा और बाहर चली गई। 1998 में योगी आदित्यनाथ सांसद बन गए। परिवार के लोग मिलने आए, सभी खुश थे। पिता आनंद सिंह और माँ सावित्री भी इसी के साथ एक सन्यासी ने अपने जीवन को राष्ट्रहित में समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, यह था अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने का कहानी। वैसे आपको क्या कहना है इस सन्यासी के बारे में, कमेंट बॉक्स में कृपया आपके कीमती राय दीजिए। इसी के साथ आपके दोस्त नंदन विश्वास को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ राजनीति के नए कहानियों के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।